इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्ती होलसेल्स सारीज एंड क्लोथ मर्चेंट्स चदचंद डिस्ट्रिक्ट विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। फिर उसके बाद वो तो पूरा समझने का तो भगवान ही समझ सकते हैं। हमारे आपके जैसे की बुद्धि काम नहीं आएगा। जैसे शास्त्र में लिखा वो दिखता तो है ही नहीं, वो तो अपने को विश्वास तो करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? हाँ, यही तो हमारे श्रद्धा बढ़ती है। हमारे पूर्वज को अपने कर्मों पर विश्वास था। क्या था? आज के लोगों पर अपने कर्मों पर विश्वास नहीं, खुद करो दूसरे के ऊपर थोपते हैं। क्या करते हैं? शराब पीकर गाड़ी चलाया, फुटपाथों पर चलने वाले बैठ सोए हुए को रौंद दिया, फिर कहता है हे खुदा तूने क्या कर दिया। तुम करो वो खुदा पर थोपो, तुम्हारे दुस्साहस की सीमा की पार। मतलब हमारे दुस्साहस कहां तक हो गए? देखो खुद करो, शराब पीकर तुम गाड़ी चलाओ और फिर तू थोपो किस पर? भगवान के ऊपर। तूने क्या कर दिया? ये महा पाप है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं जैसा तुमने बीज बोया वैसा अपने को पल को उपयोग करना पड़ता है। इसीलिए अपने को अब कर्मों से पहले कर्म सिद्धांत को समझें, उस पर श्रद्धा हो, उसके बाद हम अपने जीवन प्रणाली को, हमारे जीवन को कोई गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर मोड़ दे सकते हैं। हमारे हाथ में है, चाहे तो ये हाथ मिला है, आप इस हाथ के माध्यम से कुछ अच्छा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कुछ बुरा भी क्या कर सकते हैं? ये हाथ तो पूर्व पुण्य से प्राप्त हुआ आपको, इस हाथ से आप सतपात्र को दान भी दे सकते हो। साधु संतों के कुछ सेवा भी कर सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यदि आपके पास बुद्धि है तो अपने अच्छे विचारे, बूढ़े बुजुर्ग घर में, कोई अपने घर में बुजुर्ग माता पिता बुजुर्ग लोग है उनकी सेवा सुश्रुत भी कर सकते हैं। इस हाथ से आप चाहे तो कोई भी कार्य अच्छा भी कर सकते, नहीं तो गलत काम में भी उपयोग कर सकते हो। कैसे? अब देखो, इस हाथ तो हाथ ही है, पूर्व पुण्य से प्राप्त हुआ है, उसका सदुपयोग करना दुरुपयोग करना अपने हेडापी डिपार्टमेंट को पूछो ना। किसको? हाँ, इसका क्या करूं मैं? अब इस हाथ से आप चाहे तो देखो, ये हाथ जब ऐसा होता तो सभी के लिए सद्धर्म की आशीर्वाद मिला, उनके लिए सभी के लिए धर्म रुद्धिरस्तु, सभी के लिए दया अनुकंपा का स्रोत बहता है। ये हाथ जब ऐसा रहता तो अपने आप को देने वाला दाता आप हजारा। आज तो जब मुनि महाराज को आर देते तो मेरा आज
हस्तस्य भूषणम दानम, मेरा हाथ मिलने का जो है ये सार्थक हुआ, मैंने सत्पात्र को दान दिया। अपने आप को अब हो भाग्यशाली समझता है। प्रभु के अभिषेक करते हैं। यदि आपको आंख मिले तो कम से कम उस प्रभु के अभिषेक को तो देख तो सकते हो, और उसी हाथ को यदि मुनि महाराज बन करके खर पात्र को बना के आर ले रहे तो हाथ को ही बर्तन बना लिया। तुम्हारे बर्तन सोना चांदी मिट्टी बार्स लोहा तांबा पीतल, कभी एक दिन ऐसा कुछ नहीं, अपने खर पात्री पगयात्री अब ये बना लिया। इसी हाथ से यदि ये हाथ ऐसे के बदले में ऐसा हो गया तो क्या दीनता स्थिति है। एक दिन आप कभी भीख मांग सकते हो, एक दिन का एक नियम ले लो भीख मांग के आने का, क्या किधर कोई बात नहीं महाराज जी, दूसरे जगह में जा करके बेके मांग के आ जाए। अपने गांव में तो ये हमारे जीवन में संभव क्या है, हम मर जाएंगे, क्या जाएंगे, भीख मांगना भी उतना आसान नहीं है, क्या है, फिर कितना दीनता होता है उसमें। कोई कहता है सुबह सुबह आ गए हैं, निकल निकल आएंगे जा। अब उस समय आपको क्या होता होगा उस व्यक्ति के, तो इसीलिए ये स्थिति, इस हाथ से आप साधु संतों का चरण भी छू सकते हो, और चाहे तो चरण में नीचे भी चरण पकड़ सकते, नहीं तो ऊपर गले भी पकड़ सकते हो। जब ऊपर पकड़ोगे तो नीचे चले जाएंगे आप, नीचे पकड़ेंगे तो ऊपर अवश्य जाएंगे। कहाँ पकड़ना है इसको पूछना होगा, किसको, आपके पास जो है ना, हाँ, और उसके द्वारा हम अपने कार्य कर सकते। इस कर्म सिद्धांत, इसीलिए भाव कर्म राग और द्वेष अनादि काल से चली आ रहा है। कब से राग द्वेष, इसका अंत है ही नहीं, अब तक हुआ नहीं, अब कभी हो गए तो प्रभु गुरु कृपा से हमारे पुरुषार्थ के द्वारा हम लोगों का हो गया तो हुआ, नहीं तो अनादि काल से यही राग और द्वेष, दो के सिवा कुछ रहता ही नहीं, कोई चीज हमको दिखता ही नहीं। दुनिया में कहीं भी जाओ, एक बार कबीरा कह के कबीर हुए थे संत, एक विचारवादी थे, संवेदनशील थे, उनने हालांकि सभी की समीक्षा किया। वो क्या है, जब विचारवादी होता है प्रत्येक वस्तु के उसकी एक समीक्षा करने की सामर्थ्य होता है, भेड़ चाल नहीं होती है, वहां भेड़ चाल वही करता किसके पास कोई विचार करने की सामर्थ्य नहीं हो। वो विचार करते थे हर जगह की, हर व्यक्ति की समीक्षा किया उनने, मूर्ति पूजा करने वाले की समीक्षा किया, पत्थर को पूजे तो मैं पहाड़ों को क्यों ना पूजूं, इन्हें एक पत्थर को पूज रहे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं, सूर्य मंत्र नहीं, कुछ नहीं, एक पत्थर को पूज रहा तो मैं एक पर्वत को ही पूछता हूं ना, बड़ा बड़े बड़े चट्टानों के पर्वत को ही पूछ लो। फिर वो दूसरे का भी कहता है कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाकर मुल्ला बोके क्या तेरा अल्लाह बेरा है। मैं नहीं कह रहा हूं
कबीर कह रहे मत, यदि पूछे मेरे पास मत आना कल तुम लोग, कल वहां इसके पास जाना, कबीर जी कहाँ है वहां जाके पूछ के आना। वो कहते वो अल्लाह है क्या, तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो तुम, तो क्या तुम्हारे अल्लाह बेरा है। साधु संत के भी समीक्षा किया तो हमसे मत पूछना, उन्हीं से पूछ के आना जो कुछ भी पूछना है। तो उन्होंने जो बताया वो बात मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पास नहीं आना पूछने। हाँ, तो वह वो कहता है साधु के भी समीक्षा किया, साधु के घर दूर है पिंड खजूर, चढ़े तू चकना चढ़े तू खजूर। साधु के घर दूर है जैसे पिंड खजूर, चढ़े तू खजूर गिरे तू चकना छूर। ऊपर रहा तो वो तो साधु को, आप संत को कोई किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, वो तो ऐसा ही है बहुत ऊपर। यदि वो गिर गए तो ना घर का ना दोनों के नहीं रहा। फिर कहते हैं समीक्षा सब जगह किया, बहुत बुद्धिजीवी था थे वो। फिर उसके बाद वो कहते एक जगह में और सबकी समीक्षा किया। एक दिन बाहर कबीर और उसके सुपुत्र कमल था, दोनों पिता पुत्र एक गली में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, एक गली में जा रहे थे, जाते समय कोई दृश्य को देख लिया। दृश्य को देख करके उसने आगे जा करके कबीर फूट फूट के रोने लगे। बेटा पूछता है पिताजी क्या हुआ आपको, जो ज्ञानी होता वो दुखी नहीं होता, जो दुखी होता वो ज्ञानी नहीं होता, आप क्यों रो रहे, इतने बड़े ज्ञानी होकर के आप रो क्यों रहे। फिर वो कहते क्या मालूम, नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं बस ये दृश्य देखा फिरी संसार में, उसके लिए उनने कहा एक जगह चक्की चला के चक्की में धान डाल के पीस रहे थे, वो पीसते हुए समय अब उसके बताया, उसने उसको देखा उसमें जो कुछ भी डाला जा रहा है, गेहूं डाल चावल डाल चावल चना बाजरा जो कुछ भी डाला उसमें डाला जाए वो पूरा पीस के आटा बनता। फिर वो कबीरा यही कहते हैं, उनका कहना ये था दो पाटन के बीच जो को भी साबूत ना बचे, दो पाटन ने दो प्रकार के पत्थर के ऊपर एक पत्थर होता है चक्की में, एक नीचे होता है और एक बीच में उसको जोड़ने के लिए एक खील होता है और एक पकड़ के पीसने के लिए भी एक ये हुआ करता। तो उसको देखकर कहा दो पाटन, मतलब बेटा देखो इस संसार में एक राग और एक देश रूपी दो पाटन है, उसके बीच ही अनंत जीव पिसते जा रहे पिसते जा रहा है, इसका कहीं से भी कोई बचने का उम्मीद नहीं है। राग है द्वेष है, इसके बीच में अनंत जीव खुद ही राग द्वेष करता है, खुद ही डालता है, खुद ही बीसता है, चक्की भी खुद ही लाया, दानाज भी खुद ही लाया,
पीसता भी डालता भी वही है, बीसता भी वही है। अब उसी प्रकार का वो आचार्य भगवान कहते हैं, वो कल कमल तो कमाल था, क्या था? हाँ, आपके यहाँ कहा जाते हैं ना, बाप शेर तो बेटा सवा शेर। क्या है? हाँ, बाप शेर तो बेटा सवा शेर। अब कहते ऐसा कोई बात नहीं पिताजी, उन दोनों पत्थर के बीच जोड़ने वाला एक कील होता है, उस कील के आसपास में जितने भी इर्द गिर्द में धानर रहते हैं ना, वो कभी पिसता नहीं है। हम लोग बचपन में देखते थे, लास्ट में जब पीस के उनको पूरा करना है, वो पाटन को ऊपर वाले उठा करके उस कील से बीच में ले करके, आप लोगों ने भी किया होगा, देखा होगा ना? आप तो कुछ नहीं देखा हमने महाराज जी, हम तो कुछ नहीं, हम सब क्या है, रेडीमेड। हम यंत्र मानव, यंत्र मानव। पहले हमारे पूर्वज जो होते थे, हमारे पूर्व के महान पुरुष आदि, मंत्र युग था उस समय, मंत्र युग में मानव सब मंत्र बनते थे। अब यंत्र युग में यंत्र बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। संवेदनाएं समाप्त हो गए, लगभग कोई संवेदना रही नहीं। अब उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, ये राग और देश दो पाटन तो है अनादि काल से, उसके बीच एक धर्म रूपी खील है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स सारीज एंड क्लोथ मर्चेंट्स चदचंद डिस्ट्रिक्ट विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार।